हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मानिक सैनी और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक फ्रेंच लेसन 3। तो आज हम सीखेंगे थोड़ा सा वॉवल्स, नंबर्स और सेंटेंस मेकिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वॉवल्स के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में 5 वॉवल्स होते हैं, लेकिन फ्रेंच में 7 वॉवल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, वाई और एच। एच एक साइलेंट वॉवल होता है। इसका मतलब है कि हम फ्रेंच में होटल को इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन बोलते हैं ओटेल। जो एच है उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते, इसलिए एच एक वॉवल है लेकिन साइलेंट है, इसको कभी भी प्रोनाउंस नहीं करा जाता। तो ये थे वॉवल्स। तो चलिए कुछ नंबर्स के बारे में भी सीखते हैं। तो दोस्तों, मैंने 1 to 10 तक नंबर को लिख लिया है, वैसे जैसे हम इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। अब मैं इन्हें यहाँ पे साइड बाय साइड फ्रेंच में लिखूंगा और आपको हर एक नंबर को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो बताऊंगा। तो 1 को कहते हैं अं, और इसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं अ। 2 को कहते हैं द, और इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 3 को कहते हैं त्रुआ, और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 4 को कहते हैं क्वात्र, और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 5 को कहते हैं सैंक, और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। 6 को कहते हैं सिस, और इसको वैसे ही लिखते हैं जैसे हम इसे लिखते हैं इंग्लिश में। 7 को कहते हैं सेट, और इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। 8 को कहते हैं हुइट, और इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। 9 को कहेंगे नर्फ, और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और 10 को कहेंगे दीज, और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो चलो एक बार इनको फिर से दोहराते हैं। अ, द, त्रुआ, कात्र, सैंक, सिस, सेट, हुइट, नर्फ, दीज। तो ये थे नंबर्स 1 to 10। तो चलिए अब हम थोड़ा सेंटेंस मेकिंग की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम करेंगे वोकैबुलरी। तो दोस्तों, जो सेंटेंस मेकिंग होता है उसका फर्स्ट पार्ट होता है वोकैबुलरी, क्योंकि अगर आपको फ्रेंच के वर्ड्स पता होंगे तभी आप मेन सेंटेंसेस को बना पाएंगे। तो अब हम कुछ वीडियोस में वोकैबुलरी सीखेंगे, उसके बाद हम आगे की कुछ वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को सीख के सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वोकैबुलरी के साथ। तो बॉल को फ्रेंच में बोलते हैं बालों, और इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। चेरीज को फ्रेंच में बोलते हैं केरीज, और इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। हैट को फ्रेंच में बोलते हैं शापो, और शापो को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। डिस्क या सीढ़ी को फ्रेंच में बोलते हैं डिस्क, और इसको कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, इस तरीके से। फ्लावर को फ्रेंच में बोलते हैं फ्लर, और इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। बॉय को फ्रेंच में बोलते हैं गार्सों, और गार्सों को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। बुक को बोलते हैं लीव्र,
और लिव्र कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। और गर्ल को फ्रेंच में बोलते हैं फी, और फी को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए एक बार इनको फिर से दोहराते हैं। बॉल को बालो, चेरीस को कैरीस, हैट को शापो, सीढ़ी को डिस्क, फ्लावर को फ्लर, बॉय को गार्सन, बुक को लीवर और गर्ल को फी। तो दोस्तों ये थी हमारी वोकैबुलरी। तो आज का जो लेसन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप तरीके से फ्रेंच को सीख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।